अच्छा तू तो आ जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, क्या हो गया? इधर अच्छा बन, न्यूज़पेपर एकदम न्यूज़पेपर बंद ही हो गए, न्यूज़पेपर है आज। आज न्यूज़पेपर अखबार में क्या है, अखबार में आज के हार्डवर्क वर्कआउट करते हैं ना, एकदम थक जाते हैं। कल से मेरी नींद नहीं पूरी हुई है ना, नींद में हूँ। और मंदिर बेदी जी का हो गया तो बहुत शौक में हूँ कि इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है। इट्स वेरी बैड, इंसान को पता है कि वो इस दुनिया से चला जाएगा फिर भी कितने पाप करता है ना। मैं गॉड की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ लोगों को मैसेज देना चाहिए कि गॉड ने बोला है कि लोगों को मैसेज दो कि नरक बहुत बुरा है, तो जितना कम पाप कर सको पाप कम करो, करो ही मत। नरक बहुत बुरा है क्योंकि यहाँ से जो लोग पहले चले गए हैं वो खुद चिल्ला रहे हैं जो नरक में है कि नरक बहुत बुरा है, हेल जिसको हेल बोलते हैं बहुत बुरा है, कठिन रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल है। आप लोग इन बातों को मानते हो कि नहीं मानते? मानते मानते। डू यू बिलीव इन हेल एंड हेवन? मानते हैं मानते हैं। हाँ सब में, हर हर एक ग्रंथ में है। कब मैंने तो अपना चेंज कर लिया है। आप लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में सब लोग अपने आप को चेंज करें, एक नया मैसेज दें, क्योंकि मैं रोज़ कहती हूँ कि गॉड मैं आपका वचन फैलाऊंगी, सब जगह बोलूंगी, लोगों को पाप ना करें, पाप ना करें। और बिल्कुल भी डरे नहीं वैक्सीन लेने के लिए, पाप नहीं करना है। पाप चाहे इतना हो इतना हो, पाप पाप होता है। शराब इतनी हो या इतनी शराब शराब होती है। बहुत सैड हूँ मैं आज, यू नो कि काश मेरा बस चले तो मैं सबको हेवन दे दूँ। हेवन होता है ना, हेवन स्वर्ग, स्वर्ग स्वर्ग दे दूँ। लेकिन जो भी इंसान पाप करेगा ना उसको भुगतान है। आपने देखा है कभी हेल देखी है आपने? नरक देखा है? पिक्चरों में देखा, पीने के बाद नरक दिखता है। नहीं, इनको तो पीने के बाद स्वर्ग दिखता है। नहीं, पीने के बाद तो स्वर्ग दिखता है कि जो भी इंसान पीने के बाद, तो वो इंसान सेंस में नहीं रहता ना कि वो क्या कर रहा है, फिर सारी गलतियां होती हैं। लोग कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, आठ बजने के बाद पीने लग जाती। मैं इतना कहती हूँ कि पीने से, ड्रिंक्स करने से क्या आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे? नहीं होंगे। सिर्फ आप रात को पिएंगे, कुछ ना कुछ गलत होगा, फिर सुबह पछताएंगे। सो हम सबको कसम खानी चाहिए कि कोई भी शराब नहीं पिएगा। कितने लोग कसम खा रहे हैं यहाँ पे आज? मैं शराब नहीं पीता। हम लोग पीते नहीं, हम तो आते नहीं। तू तो लगता है तेरे को शराब से लग रहा है। पीता है ना, तुम पीते हो क्या? आप पीते हो क्या? आपको क्या लगता है शराब बैन होना चाहिए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में शराब बैन होना चाहिए। शराब गॉड के खिलाफ है क्योंकि सारे पाप और सारे बुरे काम शराब से ही होते हैं। जब इंसान शराब पी के होता है तो उसे नहीं पता अपनी बीवी को मर रहा है, उसे नहीं पता वो चोरी कर रहा है, उसे नहीं पता वो बहुत सारे गलत कांड कर रहा है, उसे नहीं पता वो अपने सेंस में रहता नहीं है। और जब शराब पियोगे तो गॉड की आत्मा जो एंजल्स होते हैं वो आपके शरीर में नहीं होते हैं, क्योंकि आपका शरीर एक मंदिर है, एक टेम्पल है। इसको शुद्ध रखना है, इसे अशुद्ध नहीं रखना है। आप अब्यूज़ करते हो, पता है शराब पीने के बाद क्या 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 करते हो, बहुत गलत बात है गाइस। जिस तक करोना आके सबको बर्बाद करके चला गया, ट्रस्ट मी यू नो हेल बहुत बुरा है, नर्क बुरा है भाई साहब, भाई साहब नर्क बुरा है, नर्क बुरा है। तो मैं एक मैसेज आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि गॉड मुझसे खुद बातें करते हैं, मुझसे बातें करते हैं क्योंकि मैं गॉड की बेटी हूँ, मुझसे बातें करते हैं। गॉड कहते हैं जा रहा कि सबको बोल कि सब लोग सुधर जाए, नर्क बुरा है। इसलिए मैं मैसेज फैला रही हूँ। अब मैं मुझे कहाँ जाना है? इधर पीछे घर गाड़ी है। नहीं, आज मैं गाड़ी में नहीं जा रही, आज मैं पैदल जा रही हूँ। मेरे पीछे नहीं आना, मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। तुम लोग मेरे आगे हो। मंदिरा बेदी जी को मिलने जाने वाले हो?
मुझे मालूम नहीं वो कहाँ रहती है। बांद्रा में रहती है। बांद्रा में रहती है क्या? अच्छा, हमारी दोस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, ईश्वर उनके हस्बैंड की आत्मा को शांति दे। और अरे रुकना है भाई, बोलना है तो बोलना। और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है मंदिरा बेदी जी, आप टेंशन ना ले, यू आर अ स्ट्रॉन्ग फीमेल। मैं दुखी जता सकती हूँ, एक इंसान के सर से पिता का साया उड़ जाता है, माँ का साया उड़ जाता है, पति का साया उड़ जाता है, इंसान अकेला रह जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे लोग भी यहाँ पे, सब लोग के कितने पेरेंट्स चले गए, किसी के भाई बहन, किसी के पिता माता, किसी के हस्बैंड, हम उन्हें ला तो नहीं सकते, आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं। आप लोग सब खुश, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो। जाने दो, जाने दो। ए बाजे बाजे।